इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये यूपीएससी की तैयारी सही गाइडेंस की तरफ बढ़ सकती है। बच्चे ना बहुत खोए रहते हैं। अगर मैं यूपीएससी एग्जाम की बात करूं, कैसे मैं इस यूपीएससी नाम के किले को तोड़ूं, आपको ना एक ऐसी अप्रोच अपनानी है जो एक बेसिक अप्रोच, जो सेट स्टैंडर्ड्स होते हैं। और इवन महाभारत का जब युद्ध शुरू हुआ था तो उसमें अर्जुन ने लड़ने के बहुत पहले ही जो हथियार में डाल दिए थे, तो तब क्या किया था कि कृष्णा ने उनको समझाया कि नहीं तुम्हें युद्ध करना। एक एग्जाम्पल राजा राम मोहन राय का है कि उन्होंने 15 साल में लगभग 4 भाषाओं को सीखा था, अरबी है, संस्कृत है, बंगाली है। तो अगर वो अपने मतलब उस सब कह सकते हैं कि उस छोटी सी उम्र में। दोस्तों, हर इंडियन फैमिली में माता पिता का ये ख्वाब जरूर होता है कि उनका बच्चा एक आईएएस अधिकारी बने, और इसके लिए वो अपने बच्चे को किसी भी तरीके से तैयारी कराने के लिए, प्रिपरेशन कराने के लिए मेहनत करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, उन्हें कोचिंग कराते हैं, और हर वो चीज़ जो लगती है उनको उस लक्ष्य को पाने के लिए माँ बाप करते हैं, बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसेस करते हैं। वो बच्चा लग जाता है, भाग दौड़ करता है, जगह जगह खोजता है क्या कंटेंट मिल जाए, कहाँ से पढ़ लूँ, क्या पढ़ लूँ, और इस वजह से वो इस भीड़ में खो जाता है। एक सही गाइडेंस के लिए वो परेशान रहता है, क्या करें क्या ना करें। तो आज इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये यूपीएससी की तैयारी एक सही गाइडेंस की तरफ बढ़ सकती है। आइए जरा मंजू मैम से मिलते हैं, बैठी हुई हैं, क्या कर रही है देखते हैं। हाय मैम। हेलो सर। मैम, मैं ना अभी जस्ट बात ही कर रहा था, और बच्चे ना बहुत खोए रहते हैं। अगर मैं यूपीएससी एग्ज़ाम की बात करूँ कि कैसे राइट अप्रोच अपनाएं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, क्या मेरी सही आइडियल अप्रोच होनी चाहिए, कैसे मैं इस यूपीएससी नाम के किले को तोड़ूं, तो मैम व्हाट शुड बी द आइडियल अप्रोच, एक बार आपके हिसाब से थोड़ा सा क्लियर करिए इस चीज़ को। सर, वैसे तो हम ये कह सकते हैं कि मतलब यूपीएससी के लिए कोई आइडियल अप्रोच नहीं होती। हम ये कह सकते हैं कि हाँ, वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी जो है वह इसमें से कोई पर्टिकुलरली हम चूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि हम अप्रोचेस की बात करें कि एक स्टूडेंट को शुरुआत से करना क्या है, कि आपको प्रिलिम्स देना है, मेंस देना है। प्रिलिम्स में पीवाईक्यूज आएंगे, मेंस में आपको आंसर राइटिंग करनी है। तो आपका जो मेन फोकस इवन स्टार्टिंग से होना चाहिए। वैसे तो शुरुआत से तैयारी बच्चा मेंस की कर सकता है डायरेक्ट, कि वह शुरुआत से जो है थोड़ा थोड़ा लिखना सीख ले, थोड़ा थोड़ा पढ़ना सीख ले। लेकिन भाई इस तरीके से प्रिपरेशन करें कि वह पीवाईक्यूज करता जाए, वह जो प्रैक्टिसेस है वह करता जाए, सब्जेक्ट पर अपनी कमांड बनाने की कोशिश करें। तो प्रिलिम्स की प्रिपरेशन करें, उस पर कमांड बनाए, अपना क्वालिटी पे फोकस करें, और मेंस के लिए वह आंसर राइटिंग करता जाए, थोड़ा सा अप टू डेटेड रहे करंट अफेयर से, अपने सिलेबस के नज़दीक रहे, मतलब इस तरीके से वो जो है स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, मतलब प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास नोट्स होने चाहिए प्रॉपर बने हुए। अब वो कहे चाहे कोई भी हो, अगर मेरे ख्याल से कोई अगर टॉपर भी होता होगा मैम तो उसके पास नोट्स होते होंगे, और सेल्फ नोट्स नहीं होते हैं तो मेरे ख्याल से बड़ा दिक्कत है कि आप एग्जाम के ईव पे कैसे तैयारी करोगे। और शायद मेंस के लिए भी ऐसी कुछ होगा कि हम अगर मेंस का आंसर राइटिंग नहीं करेंगे तो मेंस में लिखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इवन मैं अभी 12th फेल एक मूवी आई हुई है, देखी होगी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो उसमें आईपीएस मनोज कुमार शर्मा है, उनका लास्ट अटेम्प्ट में जो है वह सिलेक्शन हुआ। और वहीं अगर हम टीना डाबी जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट रैंक लेकर आई, हम देखें आज भी उनका जो चार में वह कम नहीं हुआ, इतने सारे टॉपर्स आए और गए, बट अभी भी आज भी लोगों को टीना डाबी याद है क्योंकि वो फर्स्ट अटेम्प्ट और फर्स्ट रैंक। और उसके पीछे रीज़न था कि उन्होंने जो अप्रोच अपनाई थी कि कॉलेजेस के साथ साथ ही उन्होंने सब्जेक्ट को पढ़ना, उस पर कमांड बनाना, टेस्ट प्रैक्टिसेस करना, मतलब उनकी जो स्ट्रैटेजी रही वो क्लास के कॉलेज के दौरान ही उन्होंने अपनी जो प्रिपरेशन है वह स्टार्ट कर दी थी, तो उसका उनको एडवांटेज मिल गया। राइट, तो मतलब अप्रोच में ये है कि हमें कुछ सेट स्टैंडर्ड्स या सेट क्राइटेरिया तो फॉलो करना ही पड़ेगा, तभी एग्जाम निकलेगा। मतलब चाहे आप AIR 1 फर्स्ट अटेम्प्ट में लेके आए हों, और जैसे आपने बात करी मूवी की तो उनका भी 6th अटेम्प्ट था और फिर उन्होंने आंसर राइटिंग शुरू करी। राइट, तो जो क्रक्स में बात मन में आती है वो यही कि भाई आपको ना एक ऐसी अप्रोच अपनानी है जो एक बेसिक अप्रोच, जो सेट स्टैंडर्ड्स होते हैं प्रीलिम्स के लिए, फैक्ट्स के हिसाब से आपको पढ़ना ही है, आपके हम सेल्फ नोट्स होने चाहिए, आप मेंस की बात कर रहे हैं तो आपको आंसर राइटिंग करनी ही पड़ेगी, भाई इसके बिना कुछ नहीं होना, चाहे वो AIR 1 हो या फर्स्ट अटेम्प्ट का या फिर आपका लास्ट अटेम्प्ट हो। जब तक आप ये अप्रोच अब नहीं अपनाओगे तब तक इस एग्जाम के आप नियर अबाउट भी नहीं आओगे। राइट, कि बच्चा जो है अपना साथ साथ करंट अफेयर भी पढ़ रहा है, कभी कभी उसने प्रीलिम्स के अकॉर्डिंगली देख लिया, कभी मेंस के हिसाब से देख लिया, तो वो इवन ये शुरुआत कर सकता है कि अपनी कॉलेज लाइफ के साथ साथ तो उसने थोड़ा थोड़ा सीखना इवन बेसिकली स्टार्ट कर दिया, और बस वो उसी सीखने की प्रक्रिया के दौरान ऐसा कर ले कि शुरुआत उसने जीरो से की थी, फिर आगे जाकर वह और सीखता जाता है, अपने स्टैंडर्ड को रेज करता जाता है, और वह यूपीएससी के अकॉर्डिंगली
जो अपनी प्रिपरेशन, जितना जल्दी हम इस अप्रोच को अप्लाई करने लग जाएंगे अपने प्रिपरेशन में, द फास्टर वी द अर्लियर वी स्टार्ट, आई थिंक ये उतना ही आसान होगा. क्योंकि ऐसा भी नहीं होगा मैम कि ये स्विच ऑन ऑफ बटन है, हमने आज से ही अप्रोच लगाना शुरू कर दी, हम आज करेंगे, हो सकता हो दो दिन बाद मुझसे वो अप्रोच छूट जाए, फिर उसके बाद हम पाँच दिन बाद फिर से उस पर आएंगे, तो वो इनकंसिस्टेंसी हमेशा रहती है. इसलिए हम जितना जल्दी शुरू करेंगे, उसको अपने हैबिट में डालेंगे, आई थिंक उतना जल्दी हम इस एग्जाम के क्लोज आ पाएंगे. शिवम सर ने बहुत अच्छी बात कही थी कि या तो आप अपने कॉलेज के दौरान 3 साल यूज कर ले, या तो आप कॉलेज के बाद अपने 3 साल खराब करें, वो आपको चूज करना है. वो डेफिनेटली, वो बहुत अच्छी बात लगी थी मुझे इवन उनकी, कि अगर आप कॉलेज के दौरान करोगे तो डेफिनेटली बाकी बच्चों से अर्ली एडवांटेज आपको मिल ही जाएगा. ट्रू ट्रू ट्रू, बिल्कुल सही. ये तो सर अप्रोच की बात थी. अप्रोच के अलावा भी बहुत सारे स्टूडेंट का एक कंसर्न आता है कि कॉलेज और कॉलेज के साथ यूपीएससी की तैयारी, मतलब ये पॉसिबल भी कैसे हो सकता है. तो सबसे बड़ा जो एक इशू आता है कि टाइम हम कैसे जो है वह मैनेज करें, क्योंकि वही कॉलेज का टाइम है, तभी आपको अपना एक जो एक पीयर ग्रुप है या फिर आप अपना कम्युनिटी जो है वह बिल्ड कर रहे हैं, आपको लगता है कि वही एक आपकी लाइफ हो सकती है, आपको इन्जॉय भी करना है, फिर आप यूपीएससी जैसी एक सबसे एक हम कह सकते कठिन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों चीज़ों को आखिर बच्चा मैनेज कैसे करे. बिल्कुल मैम, एक हार्श रियलिटी के साथ या हार्श लाइन्स के साथ मैं इस चीज़ का आंसर करूँगा कि इट हैज़ टू बी डे वन और इट हैज़ टू बी वन डे. मतलब आपको कभी ना कभी शुरुआत करनी ही है, या फिर आज करनी है या फिर वो किसी एक दिन होगा, है ना. और जितना जल्दी हम इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि हमें वो दिन जब हम शुरुआत कर रहे हैं प्रिपरेशन करना, वो जितना जल्दी लाएँ उतना अच्छी बात होगी. और जब हम इसको शुरू कर रहे हैं तो टाइम मैनेजमेंट की जो बात आपने सवाल पूछा, देखिए मैम मेरा तो ये मानना है कि आपको टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम मैनेज करना पड़ेगा. ये मैं अगर कोई कहता है कि भाई कॉलेज भी है हमारा, 6 घंटे 8 घंटे का कॉलेज है, और फिर उसके बाद हम आके कैसे प्रिपरेशन करें, ये एग्ज़ाम है ना मैम, 2-3 मतलब आप इसकी तैयारी कर रहे हो इतनी जल्दी जल्दी स्टार्ट करने का फ़ायदा यही है ना कि आप 2-3 घंटा डेली निकाल सकते हो. कभी मान लो हम मिस कर गए, किसी एक दिन नहीं पढ़ पाए, तो किसी और दिन 4 घंटा दे देंगे. टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप रोबोटिक हो जाओ, 2 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है, नहीं पढ़ा तो भाई क्या करें हम, ऐसा कुछ नहीं है भाई. आपने अगर मान लो किसी दिन 1 घंटा पढ़ा तो किसी दिन 3 घंटा पढ़ा, आपको पढ़ना डेली है. आप इस एग्ज़ाम के ना, आपको इस एग्ज़ाम के पूरे डोमेन में रहना है, आपको उस माइंडसेट में रहना है कि आपको पढ़ना है. और जब ऐसा होगा ना तो वो टाइम अपने आप निकालने लग जाओगे. जब आपको फील होगा कि यार यूपीएससी अगर ये नहीं तो कुछ नहीं, जिस दिन वो फील आएगा ना तो वो टाइम मैनेज अपने करने लग जाओगे. तो टाइम मैनेजमेंट के लिए 2-3 घंटा कॉलेज के साथ आप निकालेंगे तो आप कैलकुलेट करिए, एक दिन में आप अगर 2 घंटा निकालते हैं 3 घंटा निकालते हैं, यानी 30 दिन में आपके पास 90 घंटे होंगे करने के लिए. और ऐसा आप मल्टीप्लाई कर लीजिए कितने आवर्स बन रहे होंगे. और अगर हर आवर में आप एक सवाल भी तैयार कर रहे होगे तो आप कितने सवाल तैयार कर ले जाओगे. सो इट इज लाइक ये ना, इसको मैराथन रेस इसीलिए कहा जाता है. इट इज नॉट अ मतलब स्प्रिंट. अगर स्टूडेंट के अंदर एक स्प्रिट है कुछ करने की, जैसे कि एक एग्जांपल राजा राम मोहन राय का है कि उन्होंने 15 साल में लगभग 4 भाषाओं को सीखा था, अरबी है, संस्कृत है, बंगाली है. तो अगर वो अपने मतलब उस हम कह सकते हैं कि उस छोटी सी उम्र में उन्हें सीखने की चूंकि इच्छा थी, उन्हें करने की इच्छा थी, सो इसलिए उन्होंने क्या किया, इन सारी चीज़ों को सीखा, इन सारी चीज़ों को किया. तो अगर स्टूडेंट भी ये सोचने के नहीं कि कॉलेज के दौरान या फिर कॉलेज के लाइफ के बाद हम क्या कर रहे होंगे, तो वो डेफिनेटली एक सीरियस हो सकता है. और बिल्कुल मैम, और मैम ये भी है ना बात कि भाई देखो, अगर आप कॉलेज के साथ स्टार्ट नहीं कर रहे हो तो आप ऑलरेडी लेट हो, इसमें तो कोई शक नहीं है. अगर आप कॉलेज के साथ स्टार्ट कर रहे हो तो देयर इज़ अ चांस कि भाई आप दूसरों से आगे निकल सकते हो. तो अगर आप जल्दी शुरू करोगे ही नहीं तो आप वैसे ही दूसरों से पीछे हो चुके हो. एंड दिस इज अ कॉम्पिटिशन, यहाँ पर लड़ाई अपने से नहीं है. इट इज़ नॉट लाइक अकेडमिक एग्जाम, जो जनरली कॉलेज के बच्चे समझते हैं ना कि अकेडमिक एग्जाम है, मेरे इतने परसेंट मार्क्स आ गए. यहाँ पर 50% वाला टॉप कर जाता है और तहते हो बोलो 40% वाला IAS बन भी, मतलब उसका मेरिट में नाम आ भी जाए. इतना ही होता है कि लगभग 50% से इवन कम, जो अगर आप अभी देखेंगे तो 50% से भी कम हमारा जो टॉपर है उसके मार्क्स रहे ऑल ओवर. बिल्कुल, तो टाइम मैनेजमेंट में यही करना है कि भाई आपको ना दिन अपना जल्दी शुरू करना है. हम लोग क्लास 12 तक तो मैम क्या होता है ना, हम लोग स्कूल जाते हैं तो सुबह 6 बजे उठ जाते हैं. बहुत बच्चों के अंदर होता है कि 5 बजे से कुछ पढ़ लिया, कोई हमने रिवाइज कर लिया टॉपिक को, फिर हम स्कूल चले गए तो हमारा दिन बड़ा होता था. तो टाइम मैनेज ऐसे करें कि जल्दी सो के उठें. ये तरीका अपनाएं कि 10 बजे सो के उठ रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए. जल्दी सो के उठें और अपने चीज़ों को जल्दी जल्दी स्टार्ट करें. और मतलब अपना ना टाइम को हिसाब से सेट करें कि मुझे इतने टाइम में ये चीज़ कर लेनी है. अपने टारगेट सेट करने चाहिए लोगों को,
और कॉलेज के बाद आके एक घंटा डेढ़ घंटा दो घंटा आप अपनी क्लासेस को देखिए। जैसे मान लीजिए आप प्रारंभ बैच की बात करेंगे तो शाम की क्लासेस हैं, आप शाम को आके क्लास देख लीजिए, लाइव नहीं देख रहे हैं रिकॉर्डेड देख लीजिए। मतलब स्टूडेंट जो है वह कॉलेज के बाद के जो टाइम है उसमें दो तीन घंटे में वो बहुत इजीली तरीके से प्रारंभ से तैयारी कर लेगा। बिल्कुल बिल्कुल मैम, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ना वहाँ पर जो आप देखोगे लेक्चर दो घंटे के आसपास के हो रहे हैं, आपको दो घंटे लेक्चर देखना है, आपको बेसिक समझना है और उन बेसिक्स के थ्रू ही आप धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप जो होता है ना कि हम सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ रहे हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर ले जाएंगे, वो यहाँ से पॉसिबल है। एक्चुअली आप सोचो कि तीन साल मैंने कुछ नहीं किया, अब भाई मेरा ग्रेजुएशन हो गया, ग्रेजुएशन के बाद अब मैं फ्री हो गया हूँ, ग्रेजुएशन की डिग्री आ गई, अब घर वाले पूछ रहे क्या करोगे, वो प्रेशर आएगा। वो प्रेशर मतलब अगर कॉलेज के बाद तैयारी करते हैं, मतलब मुझे भी ये लगा क्योंकि मैंने बहुत पहले शुरू नहीं किया था। बिल्कुल। तो फिर मुझे ये लगा कि अब जो है वो एक ऐसा प्राइम टाइम है कि या तो हम लाइफ में और आगे बढ़ सकते हैं या फिर यहाँ से ऐसा लगता है कि लाइफ एकदम रुक गई है क्योंकि प्राइम टाइम होता है। तो अच्छा ये है कि अगर स्टूडेंट जल्दी से तैयारी अपनी स्टार्ट कर ले, जैसे कि आपने बताया कि अगर प्रारंभ ऐसे वह तैयारी कर लेता है तो तीन साल में इवन वो यूपीएससी को ठीक तरीके से समझ लेता है और आफ्टर ग्रेजुएशन यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए फॉर्म भरने के लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आप बहुत इजीली जो है, और आपने तीन साल प्रिपरेशन भी कर ली, फिर आप लास्ट टाइम जो अपना करंट अफेयर पढ़िए, पीवाईक्यूज लगाइए, आप उस नेचर को समझ चुके हैं, आप सारे सब्जेक्ट पर आपकी कमांड हो गई, फिर जाके आप एग्जाम दीजिए। तो जैसे कि टीना डाबे या फिर बहुत सारे ऐसे टॉपर्स थे सर जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो गए, जैसे कि मैं एक शेख आंसिफ करके एक आईपीएस हैं, आई थिंक 21-22 एज, तो बहुत उन्होंने भी क्लास के दौरान अपने कॉलेज के दौरान तैयारी जो है वह स्टार्ट कर ली थी। तो नहीं, बिल्कुल सही बात है मैम। तो मैंने मेरे हिसाब से टाइम आपको निकालना पड़ेगा, इसका कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, ये आपके ऊपर है भैया। फिर आप समझ लो, आप तीन साल के बाद ही इसको करना चाहते हैं तो कर लो, 90% 95% लोग यही करते हैं, लेकिन अगर आप इसको जल्दी शुरू करना चाहते हो तो फिर आपको अभी यूपीएससी का सिलेबस भी बहुत बड़ा है, जल्दी से होता भी नहीं। और जो एक साल में सोचे कि अब हम ऑप्शनल भी कर लें, अब हम सारा सब्जेक्ट भी कवर कर लें, अब हम सारा करंट अफेयर भी कर लें, अब हम उस पर एक अपना जो हम कह सकते हैं कमांड बना लें, वो कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। और इसीलिए तीन साल का ये बैच जो हम लोगों का भी है ना, इसमें यही चीज एडवांटेज वाली है कि हम स्टेप बाय स्टेप जब करेंगे तो तीन साल में ऑप्शनल्स, प्रीलिम्स, इंटरव्यू प्रोग्राम, हर चीज को कवर कर पाएंगे। तो टाइम मैनेज करे बच्चा, तीन घंटे के अंदर तीन घंटे ले इस बैच के लिए या फिर अपनी सेल्फ जो भी पढ़ रहा है वो तीन घंटे दो घंटे ढाई घंटे निकाले। किसी दिन मान लो कॉलेज में ज़्यादा काम आ गया तो एक घंटा पढ़ ले, आधा घंटा पढ़ ले। सर ऐसा भी है कि जैसे कि हो सकता है कि स्टूडेंट अगर कॉलेज गोइंग है उसको बहुत नहीं पता, कॉलेज के दौरान हम बहुत कुछ सीख लेते हैं, तो उसके बाद जब हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि कॉलेज के बाद हमें तैयारी ज़्यादा समझ में आए, और अगर हम कॉलेज के दौरान करें तो बच्चे एकदम इनिशियल लेवल के वो 12th पास आउट है। मैम इसीलिए मतलब बेसिक से हम लोग पढ़ाने की बात कर रहे हैं, उनको बेसिक से पढ़ाएंगे, ऐसा उनको नहीं लगना चाहिए कि यार मेरे पास ना नॉलेज ही नहीं है, मैं ग्रेजुएट हो जाऊँगा जब ज़्यादा पढ़ लूंगा तब मुझे समझ में आएगा। इसलिए हम लोग बेसिक एनसीईआरटी पहले प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, कि एनसीईआरटी पढ़िए तो उसको एनसीईआरटी से फाउंडेशन क्लियर हो जाए तब वो चीज़ें मतलब अच्छे से पिक अप कर पाएगा। सेट किया हुआ कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, मतलब थर्ड या सिक्स सेमेस्टर या थर्ड ईयर तक आते आते आपका जो स्टैंडर्ड है, जो पढ़ने का स्टैंडर्ड है, वो बेसिकली आपका हाई हो जाएगा, यूपीएससी के अकॉर्डिंगली हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, लेकिन स्टूडेंट के मन में ये बात भी रहती है कि ऐसा तो नहीं कि कॉलेज के साथ साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन उनका जो एकेडमिक है वह हैम्पर होकर रह जाए। नहीं नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है, ये बस एक एक्सक्यूज देने वाली बात है कि मैं अभी इसलिए नहीं करूँगा प्रिपरेशन क्योंकि मेरा एकेडमिक्स हैम्पर हो सकता है। मेरे ख्याल से ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि आप अगर आईएएस बनने जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो, बट ऑब्वियसली बात है, यू हैव टू बी अ डायनेमिक पर्सनालिटी, है ना, आपको हर चीज़ इतना बड़ा वास्ट सिलेबस कवर करना है, छोटा सा अगर मान लो वहाँ पर एकेडमिक्स भी आ रहा है तो कौन सी बड़ी डील है। नहीं, मेरे हिसाब से टाइम मैनेजमेंट भी इसी चीज़ का करना है आपको, सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, एकेडमिक्स कुछ भी हैम्पर नहीं होगा और आपको यही चीज़ दोनों मैनेज करनी है, तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं होने वाला। बट मैम सवाल यही है, यहीं से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो सवाल हम सब डिस्कस कर रहे हैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, एकेडमिक्स के ऊपर, या फिर क्या अप्रोच है, भाई देखो हम लोग तो मैम पढ़ा देंगे, टीचर हैं हम लोग पढ़ा सकते हैं, लेकिन मेंटर का रोल क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि मेंटर लगता है बच्चों को कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, तो मैम व्हाट इज़ द रोल ऑफ मेंटर इन दिस यूपीएससी प्रिपरेशन। सभी को महाभारत का सीन याद होगा जिसमें कि जो कृष्णा है वो सारथी बने हुए हैं, और इवन महाभारत का जब युद्ध शुरू हुआ था तो उसमें अर्जुन ने लड़ने के बहुत पहले ही जो हथियार है वह डाल दिए थे, वो एक स्टेप भी जो है वे आगे नहीं बढ़ सकते थे। तो तब क्या किया था कि कृष्णा ने उनको समझाया कि नहीं, तुम्हें युद्ध करना है,
तुम्हें जो है अपना काम करना है कुछ इस तरीके से करना है, उन्होंने उन्हें बेसिकली मोटिवेशन दिया। तो ये जो मोटिवेशन है जिसे हम काइंड ऑफ गीता के नाम से जानते हैं, तो सर यहाँ पर एक मेंटरशिप की भूमिका ठीक उसी तरीके से होती है कि वह क्या कर रहा होता है कि एक स्टूडेंट को जैसे शुरू शुरू में जब उसको लगता है कि नहीं अब मैं लिखूं, अब मैं पढ़ूं, अब मैं ये पढ़ लूं, अब मैं इसको कैसे करूं, अब मैं क्लास कर लूं, अब मैं रिवीजन कर लूं, तो जब ये सारी चीज़ें वो कर रहा होता है ना, उसको समझ में नहीं आता कि हम उसको बेसिकली किस तरीके से करें, क्या कौन सा काम पहले करें, कौन सा काम बाद में करें। और अब उसको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि जैसे क्या होता है कि हमारे पास कम टाइम है, हमने क्लास ली, हम चले आए, बट अब जो बच्चा है वो बहुत सारे सवालों के बीच में ऐसे उलझा रहता है कि अब उसको बहुत से डाउट्स हैं, सब्जेक्ट पे कुछ समझ में नहीं आया, उसको कुछ भी नहीं ये नहीं समझ में आ रहा कि कैसे उसने सब्जेक्ट को शुरू किया है। तो उसमें इवन मेंटोर की जो भूमिका है वह बहुत ज़्यादा होती है। और इवन क्या हुआ है कि प्रारंभ के बैच में इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए कि बच्चा 12th पास आउट है, 12th पास आउट है, तो वो इनिशियल स्टेज पे उसको कुछ नहीं पता, तो उसको एक मेंटोरशिप जो है वह उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा, लाइब्रेरी में अवेलेबल है, जैसे ही क्लास खत्म हुई आपने क्लास के बाद जो है उससे डाउट क्लियर कर लिए। तो इससे क्या होता है कि आपको जो इवन हमारे समय में चीज़ें थी कि हमें बताने वाला कोई नहीं था, कि इवन मैंने मुझे याद है कि मैंने जब अपना इंटरव्यू दिया था तो मैंने मॉक टेस्ट भी नहीं, मतलब मैंने मॉक इंटरव्यू भी नहीं देने गई थी क्योंकि मुझे इसकी नीड नहीं लगी, मुझे लगा था कि नहीं उसके बिना हो जाएगा और मेरा इंटरव्यू बहुत ज़्यादा ख़राब रहा। अगर ऐसा होता कि मुझे किसी ने पहले गाइड कर दिया होता, और टीचर से बात करने में हम हेजिटेट करते हैं, अगर कोई मेंटर होता उसने मुझे गाइड कर दिया होता कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे कर लो मंजू, तो फिर क्या है कि मुझे उससे बेनिफिट मिल जाता। एक गाइडेंस के लिए बहुत ज़रूरत होती है सर मेंटरशिप की। बिल्कुल 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 सही बात है, क्योंकि अगर मतलब यही चीज़ हम और एग्जांपल से समझें तो अगर मान लीजिए कोई क्रिकेटर है तो वो क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर है, अब सचिन तेंदुलकर को बैट कैसे पकड़ना है ये उसका कोच उसको सिखा सकता है और यही उसका रोल है, शॉट वो खुद मारेगा लेकिन बैट कैसे पकड़ना है, स्टांस कैसे लेना है, कैसे चीज़ों को क्रिकेट में समझना है, तो वो वहाँ पर एक मेरे ख्याल से मेंटर की रिक्वायरमेंट लगती है। और शायद बिल्कुल सही, तो ये बैच भी मैम प्रारंभ में भी इस जो मेंटरशिप को प्रोवाइड किया जा रहा है, आई थिंक वो अपने आप में एक बहुत ही अच्छा फीचर होगा, राइट। और जैसा कि आपने बोला कि हाँ मेंटरशिप मेंटर्स की रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़रूरी है, सो फाइनली आई थिंक ये बिल्कुल अंडरस्टूड होगा। बट साथ में मैम एक चीज़ और, इस सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट जो होता है, प्रिपरेशन बहुत लंबी होती है, टाइम बहुत चला जाता है, तो कितना इम्पॉर्टेंट है स्किल डेवलपमेंट होना साथ में। जब सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे होते हैं तो बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट भी रहता है कि ऐसा तो नहीं कि हम जो ये प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सारी मतलब जस्ट फेल हो जाए, कि वो हमारा जो समय है वो चला गया, अब हमारा जो अटेम्प्ट है वो खत्म हो गया, जो एज है वह खत्म हो गई, अब जो है वह किसी काम के नहीं रहे। तो एक स्किल क्या उनको हेल्प करती है कि आगे वो किस तरीके से कोई जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वह ले सकते हैं, आगे अगर उनको स्किल आती है तो एक कॉन्फिडेंस बना रहता है कि चलो ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड एक सपोर्ट रहता है कि मेरे पास ये स्किल है और अब मैं इस चीज़ को जो है मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है मैम, तो आई थिंक स्टूडेंट्स को काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से इस एग्ज़ाम को टेकअप करना है। और जो अभी हम लोगों का प्रारंभ बैच भी है, आई थिंक वेरी मच सूटेड टू द प्लान्स ऑफ स्टूडेंट्स जो कॉलेज जा रहे हैं, और उनके लिए एकदम फर्टाइल है वो, एक तरह से मैं कहूँगा बैच वेरी फर्टाइल है, बहुत प्रोडक्टिविटी उनको दे सकता है ये बैच, और इसी वजह से इसको डिज़ाइन भी इस हिसाब से किया गया है। सो ठीक है, मेरे हिसाब से मैम काफ़ी बातें हैं बच्चों को क्लियर भी हो गई होंगी, एंड आई होप आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छी लगी होगी, आप लोगों के लिए यूज़फुल होगी। और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, जय हिंद जय भारत। थैंक यू।